नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एनिमे टेक। तो दोस्तों ये बताएगा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ब्रेक के बाद, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों हम बात करेंगे नोकिया 1 के बारे में कि मतलब ये क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें लिखा हुआ है स्टेप अप टू स्मार्टर। तो कुछ इनका ये मतलब कोटेशन कह लीजिए, कुछ इनका मतलब लाइंस है, तो ये इनके द्वारा लाइंस है नोकिया 1 के लिए। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें, तो हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ऐप्स के बारे में, तो ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड गो पे चलता है दोस्तों, और 8.1 का गो एडिशन है। तो सारे गो ऐप्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर शामिल किए गए हैं 3-4 ऐप्स के नाम जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको गो एडिशन का मिल रहा है मैप गो एडिशन का मिल रहा है, आपको गूगल प्ले गो एडिशन का मिल रहा है, यहाँ पर क्रोम गो एडिशन का मिल रहा है, यूट्यूब। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसेसरीज के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बैक पैनल में चेंज करने वाले कलरफुल एसेसरीज, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसका नाम दिया गया है कुछ एक्सप्रेस ऑन कवर, और जो कि बहुत क्विक है और स्मार्ट है और ईजी है। और यहाँ पर हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है डुअल सिम मिल जाती है, यहाँ पर 4G LTE कनेक्शन मिल जाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है जिसमें कि आप लगा सकते हैं 128 GB का मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो कि हो सकता है कोई भी कंपनी का, जैसे कि आप लगाते हैं सैंडिस्क वगैरह का, उस टाइप का कुर्सी का भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में हमको यहाँ पर सबसे पहले आपको 50 बार बता चुका हूँ, यहाँ पर मिलता है अपने को एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो का गो एडिशन मिल जाता है, और साथ में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक है ब्लू कलर का। और यहाँ पर हम कैमरा की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा है, क्योंकि ये कैमरा जो कि है 5 मेगापिक्सल का कैमरा है यहाँ पर, ये रेयर वाला विद LED फ्लैश के साथ, और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो काफ़ी अच्छी सेल्फी वगैरह तो खींची जा सकती है। अब डिपेंड करता है कैमरा का परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों, जाइक ऑप्टिक्स तो शायद ही ना होगा इसके साथ, पर लेकिन अगर होता तो और मज़ा आ जाता। और बाकी हम यहाँ पर देखते हैं एंड्रॉयड मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर, तो एंड्रॉयड की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमम फॉर लाइफ लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर डाटा सेविंग की बात की जा रही है, क्रोम ब्राउजर को यूज़ करेंगे डाटा सेव होगा आपका, गूगल असिस्टेंट दिया हुआ है बात करने के लिए। वैसे गूगल असिस्टेंट गो एडिशन वाला है ये, और काफ़ी अच्छा है, इस्तेमाल तो करके देखा नहीं है मैंने, पर लेकिन मैंने नॉर्मली गूगल असिस्टेंट को अपने मोबाइल पर इस्तेमाल किया जो कि मैं नोकिया 6 यूज़ करता हूँ, पर लेकिन सीरी से ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा अच्छा है, मतलब रिस्पॉन्स बहुत फास्ट देता है गूगल असिस्टेंट। सीरी को टाइम लगता है, पर लेकिन सीरी भी कमाल करता ज़रूर है, पर लेकिन गूगल असिस्टेंट उससे ज़्यादा कमाल करता है क्योंकि रिस्पॉन्सिव ज़्यादा है, तो मुझे ये अच्छा लगा। और बाकी यहाँ पर प्योर सिक्योर अपडेट मिल जाएंगे, सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब बहुत ही जल्द अपडेट मिल जाएगा। मान लीजिए आपका सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो टाइम टू टाइम आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी तरफ से। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आउटसाइड से, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आउटसाइड की बात करूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पर कि मतलब LED फ्लैश है आपका पीछे, रेयर में 5 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, IPS डिस्प्ले है 4.5 इंच की। और यहाँ पर अगर हम इनसाइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गो एडिशन का 8.1 का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, 1 GB की रैम मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल 8 GB की रैम वगैरह, और वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर में बताई, तो उसको मैं दोबारा क्या बताऊँ, बस आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं अपने आप से खुद वीडियो पॉज करके। और यहाँ पर फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाऊँगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, पर लेकिन यहाँ पर आपको कलर दिखा दूँ दूसरा कलर ब्लू कलर है, तो आप ब्लू कलर इस तरीके से दिखेगा आपका और रेड कलर इस तरीके से दिखेगा, तो 2 कलर में अभी अवेलेबल है ये, तो काफ़ी कमाल का मोबाइल है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये जो कि यहाँ पर अपने को जो मेन 2 चीज़ें और बची है मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर टॉक टाइम और स्टैंड बाय टाइम का जो बात है वो है कि 9 घंटे तक अगर आप बात करते हैं तो आपको मोबाइल काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्टैंड बाय टाइम में 15 दिन तक रहेगा और टॉक टाइम में 9 घंटा ही चलेगा, और अगर गाने वाने बजाएंगे तो काफ़ी आवर्स बताए जा रहे हैं 53 आवर्स। और यहाँ पर हो गया वीडियो प्लेबैक टाइम जो है, वीडियो के साथ अगर प्लेबैक टाइम करेंगे मतलब वीडियो का आप चलाएंगे तो 4.5 घंटे में ही ठुस हो जाएगा मोबाइल, मतलब बंद हो जाएगा, उससे ज़्यादा कि ये प्राण वाण नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है, प्राण की क्षमता नहीं है, ये उतने में ही लूट जाएगा, निपट जाएगा, सिमट जाएगा, बस उतने में ही ख़त्म हो जाएगा ये, तो इतने में इसकी जान खत्म हो जाएगी, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और रही बात इसमें ऑडियो का काम, इसमें बहुत बढ़िया काम किया गया, इसमें 3.5 mm जैक लगा के रखा गया है, और रेडियो के साथ सारे फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल है ऑडियो प्ले करने के लिए, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इस चीज़ में तो बहुत ही आगे है ये, अब बहुत ही अच्छा है।
और हम बात कर लेते हैं रिमूवेबल बैटरी की। तो यहाँ पर रिमूवेबल बैटरी दी गई है वो थोड़ी अच्छी है, और बैटरी के साथ थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम है इसमें परफॉर्मेंस इसकी, क्योंकि 2150 एमएच की बैटरी है तो बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूँ नोकिया के लेटेस्ट मोबाइल नोकिया 8110, उसमें भैया इसने दी है 1500 एमएच की बैटरी और इसमें देते हैं 2150 एमएच की बैटरी, मतलब कहने का मतलब 650 एमएच ज़्यादा। क्यों भाई क्यों 2500 एमएच की बैटरी दे देते हैं यार कम से कम? फिर तुम कहते हो दो दिन तक चलेगी हमारा मोबाइल की नोकिया 2 में और इसमें आप देते हो इतनी कम, तो क्या कहना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, मुझे समझ में ना आ रहा। तो मोबाइल तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, सब में लिखा गया ये चीज़, तो ड्रिप प्रोटेक्शन। अब देखना होगा क्या होता है इसे, मैं तो देखूंगा फिर बताऊंगा आपको ड्रिप प्रोटेक्शन क्या होता है और बॉक्स कंटेंट क्या होंगे यहाँ पर लिखा गया है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपने को मिलेगा नोकिया 1 मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा हैंडसेट मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा और चार्जर स्लैश डाटा केबल मिल जाएगा, कुछ बैड मिल जाएगी। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि ईयरफोन वगैरह मिलेंगे, तो एक तरीके से बात करूँ Xiaomi के जैसे इसने कर दिया कि Xiaomi ने ईयरफोन नहीं दिया तो इसने भी ईयरफोन नहीं दिया। अब कुछ बात होगी ईयरफोन नहीं देने की, क्योंकि ईयरफोन बनाने में आजकल कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लोगों को अच्छी साउंड चाहिए तो शायद ना देते हो, कॉस्टिंग बढ़ जाए तो आप ईयरफोन अलग से परचेज कर लीजिए, ये भी अच्छी चीज़ है। अब देखना ही होगा कि क्या कमाल होता है मार्केट में आने के बाद ये मोबाइल, और इंडियन मार्केट में क्या धूम मचाता है ये देखना ही होगा। तो मोबाइल तो काफ़ी मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मोटी मोटी बेजल्स है, अगर वो ना होती और इस मोबाइल को इतना शानदार बनाया जाता विदाउट बेजल्स के साथ तो मार्केट में बहुत ही अच्छा कमबैक हो सकता था इस वेरिएंट का। पर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पर लेकिन हाँ जिनको नोकिया प्रेमी है वो तो लेंगे ही लेंगे इस मोबाइल को, क्योंकि नोकिया लवर्स को आप रोक नहीं सकते, तो आप नोकिया लवर्स को तो रोक ही नहीं सकते और जिनको नहीं लेना होगा वो नहीं लेंगे। तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। स्पेसिफिकेशन ठीक ही ठाक है, 2GB की रैम देते जिसमें मज़ा आ जाता, साथ में कैमरा वगैरह अगर थोड़ा और बढ़ा देते तो और मज़ा आ जाता। तो वैसा देखा जाए तो बेसिक सिंपल सा मोबाइल, आप देखना होगा किस प्राइस में आता है इंडिया में क्या धूम मचाता है, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिए। तो शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो का अंत तक देखेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को जिसका नाम है एनिमेट टेक। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ दोस्तों। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।